नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 51। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें। स्टेटमेंट वन, द करिकुलम प्रिंसिपल्स शुड रिफ्लेक्ट द स्कूल्स वैल्यूज कॉन्टेक्स्ट पैडागॉजी एंड नीड्स। जो पाठ्यचर्या सिद्धांतों को विचार के मूल्यों परिप्रेक्ष्य शिक्षण विधि और आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। स्टेटमेंट टू, स्कूल्स नीड टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर करिकुलम टू लाइफ एंड एंश्योर इट्स कोहेरेंस। ए गुड करिकुलम शुड नीड्स गुड क्वालिटी रिसोर्सेज। अपनी पाठ्यचर्या को जीवंत बनाने और इसकी सुसंगति सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों को अपेक्षित संसाधनों की पहचान करनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 52। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बिगिंस विद द कोटेशन फ्रॉम एन एसे टाइटल सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, इसको जो है स्टार्ट होता है कोटेशन से, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। दिस एसे वॉज रिटन बाई महात्मा गांधी, गीजूभाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर और गोपाल कृष्ण गोखले। दिस वॉज रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर सम स्टेप्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उन्हें हमें सीक्वेंशियल ऑर्डर में करना है। तो स्टेप वन इज फॉर्म करिकुलम डेवलपमेंट टीम। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले करिकुलम डेवलपमेंट टीम बनानी है, उसके बाद प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिकुलम प्रोडक्ट, देन वी हैव टू मेक ए करिकुलम प्रोडक्ट, देन स्टेप थ्री इज टेस्ट एंड रिवाइज करिकुलम। फिर हमें उसे टेस्ट करना है, रिवाइज करना है। फोर्थ इज डिजाइन इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज। फिर हमें इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी है, सॉरी फोर्थ इज इम्प्लीमेंट करिकुलम। फिर हमें करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है। और फिफ्थ इज डिजाइन करिकुलम इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज। सबसे लास्ट में होगा इवेल्युएशन। सो द सीक्वेंस इज ई ए सी बी डी। ई ए सी बी डी इज द करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। Now we move to question number 54. Given below are two statements. Stakes model of curriculum evaluation is based explicitly on the assumption that the concerns of the stakeholders, those for whom the evaluation is done, should be paramount in determining the evaluation issues. ये जो curriculum evaluation model दिया गया stakes का, वो कहता है कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन का stakes model स्पष्ट रूप से इस अवधारणा पर आधारित है कि मूल्यांकन संबंधी मुद्दों के निर्धारण में हितधारकों स्टेक होल्डर्स को हम बोलते हैं हितधारक, जिनके लिए मूल्यांकन किया जाता है कि चिंताएं सर्वोपरि होनी चाहिए। एक अच्छे पाठ्यक्रम के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले संसाधनों की आवश्यकता होती है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। स्टेटमेंट वन सही है। स्टेटमेंट टू, इस्नर मॉडल इज बिल्ट ऑन टू क्लोजली रिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स, कॉनोसरशिप और क्रिटिसिज्म। अब इसमें कॉनोसरशिप की बात आ रही है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी को अप्रिशिएट करने का आर्ट, मतलब किसी को एप्रिशिएट, ए डबल पी आर ई सी आई ए टी, एप्रिशिएट करने का आर्ट, इसको हम कहते हैं कनोसरशिप। और इसमें जो क्रिटिसिज्म की भी बात कर रहा है कि जो कोई भी, मतलब नेगेटिविटी को भी, नेगेटिविटी को भी कैसे पॉजिटिवली क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट टू है। तो इसमें भी जो है बात, दोनों स्टेटमेंट्स यानी कि दोनों की कथन सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ए दी हुई है और लिस्ट टू दी है। लिस्ट ए में है करिकुलम इवेल्युएशन मॉडल और लिस्ट में किसने दिया, इफेक्टिवनेस मॉडल की बात हो रही है। इफेक्टिवनेस मॉडल दिया था ब्रैडली ने, गोल फ्री मॉडल दिया था श्राइवन ने, फोर लेवल ट्रेनिंग इवेल्यूएशन मॉडल ये दिया था किरकपैट्रिक ने, और काउंटेनेंस मॉडल दिया था स्टेक ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए 5, बी 2, सी 1 एंड डी 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 56। फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग।
प्रॉपर एनवायरनमेंट इज द मेन एसेंस ऑफ विच फिलॉसफी। तो इसमें जो हम पहले बात करते हैं आइडियलिज्म, आइडियलिज्म में तो जो है फिक्स्ड होते हैं कोई भी चीज, तो वो कोई भी क्रिएट कुछ किया ही नहीं जाता उसमें। नेचुरलिज्म जो है ये नेचर की बात करता है, और एक्जिस्टेंशलिज्म जो है कि एक्जिस्टेंस की बात करता है। अब इसमें जो बेसिक फिलॉसफी जो है कि इफ द एनवायरनमेंट इज ग्रुड इधर यू अडॉप्ट टू इट, और इफ द एनवायरनमेंट इज नॉट गुड अडेप्ट द एनवायरनमेंट टू योर नीड। तो ये बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म ही है जो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग एनवायरनमेंट कहता है। एग्जिस्टेंशलिज्म भी जो है सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, दैट इज बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। And now we move to question number 57. God, the great giver, can open the whole universe to our gaze is the narrow in the narrow space of a single line. It was written by Rabindranath Tagore. So correct answer option number 2. Now we move to next question, question number 58. We have to match list 1 with list 2. List 1 recognizes ideals and beliefs on the basis of experiments. Experiments ki baat kar raha hai, this is pragmatism. Recognizes truth, ब्यूटी एंड गुडनेस की बात आ गई तो दिस इज आइडियलिज्म। नो क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड कॉन्शियसनेस तो दिस इज नेचुरलिज्म। एंड रिकॉग्नाइजेस द इनर एंड इमीडिएट रियलाइजेशन दिस इज एग्जिस्टेंशलिज्म। सो ए का है 2, बी 1, सी 3 एंड डी 2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अकॉर्डिंग टू सांख्य बोथ स्पिरिट एंड मैटर आर इनफाइनाइट एंड एक्सटर्नल। ये कह रहा है बोथ स्पिरिट एंड मैटर आर इनफाइनाइट एंड एक्सटर्नल, दिस इज ट्रू। सांख्य के अनुसार पुरुष और प्रकृति दोनों असीमित और भाम्य है। उपनिषद dispels ignorance and takes the person desirous and emancipation near God and frees the bondage of birth and death. उपनिषद अज्ञान को दूर करता है और मुक्ति कामी व्यक्ति को ईश्वर के समीप ले जाता है तथा जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त कराता है, this is also true. केन is one of the chief उपनिषद, this is also true. शंकराचार्य supported the भक्ति योग गीता, this is wrong. शंकराचार्य ने support नहीं किया था भक्ति योग गीता को। according to महायान ए मैन शुड स्ट्राइव फॉर हिज ओन एपेंसिएशन, महायान जो है ये ओन की बात नहीं करता, ये अदर्स की बात करता है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए बी एंड सी। अब ये देखते हैं किसमें दिया है ट्रू, ए बी एंड सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। महर्षि पतंजलि हैज स्पोकन अबाउट 5 काइंड्स ऑफ चित्रवृत्ति और मेंटल प्रोसेसेस। जो महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार की चित्त वृत्ति का उल्लेख किया है, अब इनको हमें क्रमानुसार यानी कि सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले इन्होंने बात की थी प्रमाणा की, प्रमाणा, प्रमाणा आप समझ लो जैसे कि विच इज करेक्ट नॉलेज। उसके बाद इन्होंने बात की थी विपर्या विच इज फॉल्स या इनकरेक्ट नॉलेज और इनकरेक्ट नॉलेज। उसके बाद बात की थी विकल्प की, विकल्पा, विकल्पा में क्या होता है इल्यूजन यानी कि भ्रम। उसके बाद बात की थी निद्रा, निद्रा मींस स्लीप। उसके बाद बात की थी स्मृति, इट मींस मेमोरी। अब इसे हम देखते हैं सबसे पहला क्या होगा। सबसे पहले देखिए आप enables to get true knowledge, this is the first step. Then the next step is false knowledge that does not allow to get true picture, this is 2. Third is in dream, ये बात आ रही है विकल्प illusion की। Third, fourth है absence of the consent object, sleep. Fifth is memory. यहां आप देखेंगे कीवर्ड्स आपको रिमेंबर करने हैं। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज
ए ई सी डी एंड बी, ए सी डी एंड बी, यहां पे हम देखते हैं दैट इज द ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61. अब यहां पे दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लिस्ट वन को टू से मैच करना. प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विद ए सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी. ये होता है हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में. सो द ए का हो गया हमारा सीधा 4. अब यहां पे आ जाए, हमें ये वाला देख लेते हैं पहले, ऑप्शन डी, एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स थ्रू डीटीएस टू डिलीवर ई एजुकेशन ए मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव मैनर. इसका हो गया हमारा स्वयं प्रभा, तो डी का हो गया हमारा 2. अब ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज इम्पार्टेड थ्रू वर्कशॉप्स वेयर पार्टिसिपेंट्स आर टॉट बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स एंड प्रोग्रामिंग. ये हो गया हमारा बी का 3. दिस इज ई यंत्र. ऑप्शन सी प्रोवाइड्स ए फुली इंटरेक्टिव सिमुलेशन एनवायरमेंट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स कलेक्ट डेटा एंड आंसर क्वेश्चंस टू असेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज अक्वायर्ड. इज वर्चुअल लैब्स होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए 4, बी 3, सी 1 एंड डी 2. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 62. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन लर्निंग डेस्टिनेशन founded by Harvard and MIT in 2012 which offers courses from the world's best universities and institutions to learn everywhere. Iska answer hai edX, option 2. Now we move to question 63. Chief characteristics of learning schools ko hume match karna hai. Option A, learning happens when a learner obtains new or changed behavior as a result of stimulus. As a result of stimulus. So ye hota hai behaviorism mein. सो द करेक्ट ए का हो गया हमारे पास 5 ऑप्शन. लर्निंग इज अबाउट इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेसेस. यहां आपको ध्यान देना है कॉग्निटिव कीवर्ड्स पे. कॉग्निटिव आ रहा है तो ये हो गया कॉग्निटिविज्म. अब थर्ड, फोकस इज ऑन इंडिविजुअल एंड द मेंटल स्ट्रक्चर्स दे पोजेस एंड हाउ दोज स्ट्रक्चर्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस नॉलेज स्पीक टू इन्फ्लुएंस द कंस्ट्रक्शन इज द कीवर्ड. सो दिस इज कंस्ट्रक्टिविज्म. सी का हो गया हमारा 1. अब नाउ फोर्थ, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन देयर नेचुरल डिजायर्स एंड इंक्लिनेशंस टू बी क्रिएटिव टू ग्रो टू लर्न आर हार्नेस्ड रादर देन चेंज्ड और सप्रेस्ड. तो ये हो गया हमारा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 3, ए 5, बी 3, सी 4 एंड डी 2. Now we move to next question, that is question number 64. Arrange the first 5 instructional strategies used in e-learning in sequential order. The first 5 instructional strategies in e-learning में इनको हमें क्रम में आधारित करना है, यानी कि सबसे पहली कौन सी है. सबसे पहले होगी information presentation. This is the first. The web pages डिस्प्ले टेक्सचुअल एज वेल एज द ग्राफिकल इंफॉर्मेशन फॉर द लर्नर्स. उसके बाद होगी, सेकेंड होगी हमारी डिसीजन मेकिंग. कंप्यूटर एंड वेब टेक्नोलॉजीज अलाउ लर्नर्स टू टेक देयर ओन डिसीजंस टू फॉलो लिंक प्रोवाइडेड ऑन द पेजेस. उसके बाद थर्ड होगी हमारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग होगी. फोर्थ होगी हमारी ड्रिल एंड प्रैक्टिस होगी. फिफ्थ होगी हमारी, लास्ट में हम देंगे फीडबैक. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन इज ए सी बी डी एंड ई. ए सी बी डी एंड ई ऑप्शन 1. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 65. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट फॉर सिंक्रोनस लर्निंग. की बात हो रही है. सिंक्रोनस लर्निंग रेफर्स टू ए लर्निंग इवेंट विच ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज एंगेज इन लर्निंग एट द सेम टाइम साइमल्टेनियस. दिस इज ट्रू. पार्टिसिपेंट्स कैन लर्न इन देयर ओन टाइम एंड शेड्यूल. नहीं है ये, तो ये सिंक्रोनस हो गया. सो दिस इज रॉन्ग.
रियल टाइम फीडबैक फॉर द इंस्ट्रक्शन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सिंक्रोनस इज सेल्फ पेस्ड लर्निंग, ये एसिंक्रोनस हो गई। तो हमारे ऑप्शंस जो सही हैं वो हैं सिंक्रोनस लर्निंग के लिए ए एंड सी, सी एंड ए। ये देखते हैं हम ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, द टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट टू डिस्कवर देयर ओन कनेक्शंस। यहां पे आपको बहुत ध्यान देना, कनेक्शंस की बात कर रहा है बिटवीन सीमिंगली डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन यूजिंग डिफरेंट नेम्स, एग्जाम्पल ट्विटर, विकीज, ब्लॉग्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। तो ऑप्शंस यहां पे हमें कनेक्टिविज्म की बात हो रही है, नॉट कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिविज्म इज रॉन्ग, कंस्ट्रक्टिविज्म रॉन्ग, मिनिस्ट्री इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन थ्री, दैट इज कनेक्टिविज्म, कनेक्टिविज्म। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 67। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, हमारे कौन कौन से, मूडल है एसिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म, आर मूडल एंड कैनवास। सो बी एंड डी आर करेक्ट, बी एंड सी सॉरी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर टू। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 68। लिस्ट वन में सोशल थ्योरीज दी गई हैं, लिस्ट टू में की फीचर्स दिए हैं। आपको कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शन में क्या सिंबल्स यूज होते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन द मेंटल प्रोसेसेस इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स। फंक्शनलिज्म में क्या होता है, फंक्शन की बात होती है, एस्पेक्ट्स ऑफ इस सोसाइटी एंड फंक्शंस। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होती है, रिसोर्सेज, कॉम्पिटिशन फॉर स्कार्स रिसोर्सेज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A1, B4, C2 and D3. That is option number 1 is the correct answer. Now we move to next question. Question 69. Which of the following are key components of DARE care model of Dell Nordings? We have talked about this. MDPC, you have to remember. M is modeling. होगी, फिर होगा dialogue, होगा फिर practice, होगा और उसके बाद confirmation. Originality नहीं है, this is not there. So A, B, C and D. So the correct answer is option number 1. Now we move to question number 70. Who coined the term sociological imagination? Sociological imagination जो important है, this term was coined by Wright Mills. The correct answer is option number 4. Now move to question number 71. The most difficult part in doing cost benefit analysis is to determine the intangible benefits and costs. सबसे जो डिफिकल्ट है पार्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का, जो सबसे मुश्किल चीज है वो ये है। और मूव टू क्वेश्चन 72, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पहले भी आ चुका। यशपाल कमिटी रिपोर्ट इज टाइटल्ड एज लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 73। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस, में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है। एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी ये होती है, जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस होता है, पॉलिसी इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस भी होता है, बट दिस इज जो नहीं होता है वो है नीति के प्रभाव का आकलन, दैट इज पॉलिसी इंपैक्ट असेसमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 74। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फसाइज्ड इन एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, में क्या एम्फेसिस दिया गया है। व्हाट टू लर्न, व्हेन टू लर्न, वेयर टू लर्न, हाउ टू लर्न, कैसे सीखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनईपी 2020। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 75। डी स्कूलिंग सोसाइटी इज रिटन बाय डी स्कूलिंग सोसाइटी को लिखा था इवान इलिच ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। I move to question number 76. Pedagogical content knowledge in the field of teacher education was pushed forward by, यहाँ आपको बताया था सबसे important है Lee Shulman ने, जो अध्यापक शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु ज्ञान का विचार दिया था Lee Shulman ने। The correct answer option number 2. Now I move to question number 77. The centrally sponsored scheme of समग्र शिक्षा assumes which of the following? ये बहुत important है, कई बार आ चुका है। SSA, RMSA and TE. ये तीनों schemes आती हैं समग्र शिक्षा के अंदर। तो correct answer is option number 1. Now move to question number 78.
डॉक्टर एक्स टीचर इन स्कूल ऑलवेज टेक्स टाइम टू एनालाइज हर क्लासरूम प्रोसेस टू आइडेंटिफाई मोर देन जस्ट व्हाट वेंट इन द क्लासरूम व्हाट वर्क्ड एंड व्हाट डिड नॉट। विद्यालय की एक शिक्षिका डॉक्टर एक्स कक्षा में घटित बातों को प्रभाव को आकलन करने के लिए सदैव कक्षा प्रक्रमों के एक विश्लेषण हेतु समय निकालती है कि कक्षा में क्या हुआ, क्या कम हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ। तो वो क्या कर रही है? ऑब्वियसली शी इज डूइंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग, चिंतन परक अध्यापन कर रही है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79। अब ये इंपॉर्टेंट है, हमें माइनॉरिटीज एजुकेशन जो सब्जेक्ट और आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मैच करने हैं। एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज जो है दिस इज कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 29, और इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग इन प्राइमरी स्टेज है ये है आर्टिकल आपका 350A। पहले आपको ये देख लेना है राइट टू एजुकेशन 21A है, तो आपके जो है दो ऑप्शंस 21A है, तो दो तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। अब यहाँ पे आके आप देखो 21A दिया हुआ है, राइट टू एजुकेशन का सी का 1 है। अब सी 1 है तो यहाँ आप खुद ही देख लेंगे कि दो ऑप्शंस तो आपके ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गए। यहाँ पे दिस इज रॉन्ग। अब यहाँ सी 1 है तो उसके बाद आप और ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि राइट टू ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ये आता है आपका आर्टिकल 30 के अंदर। आर्टिकल 30 मीन्स डी का 3 है, डी का 3 आ गया, तो आपका है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 80, द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट इन एनसीएफ 2005 में गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या दिए गए हैं? कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, दिस इज एब्सोल्युटली टू विद्यालय के लेके बाहर जो ज्ञान को जीवन जीने से जोड़ना, ensuring that learning shifts from rote methods will रटन जो रटते हैं हम पद्धति उसको से अधिकतम की पृथकता सुनिश्चित करना, absolutely to nurturing an overriding identity informed by caring concerns with the democratic polity of the country, राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर देखरेख संबंधी मुद्दों द्वारा अनुसूचित अध्यारोही अस्मिता को संबोधित करना, this is absolutely true, emphasis on examinations ये तो गलत है, ये नहीं कहता एनसीएफ टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं है, तो करेक्ट इज ए बी एंड ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट। तो यहां हम बात कर रहे हैं करेक्ट है हमारा ए बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 81, एन इंस्टीट्यूशन विशेष टू अप्लाई फॉर द असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रॉम NAAC के लिए कोई संस्था अप्लाई करती है तो विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इट शुड फोकस एज पर NAAC रिक्वायरमेंट्स, टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन दिस इज ट्रू, करिकुलर एस्पेक्ट्स ट्रू, इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट यूनियन मेंबर्स दिस इज रॉन्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज ट्रू, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, सॉरी दिस इज रॉन्ग, जो स्टूडेंट सपोर्ट और प्रोग्रेशन है इसको सेलेक्ट करना है। हाँ, तो इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, आंसर है ए बी डी एंड ई आर द करेक्ट ऑप्शंस, ए बी डी एंड ई, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूव टू क्वेश्चन 82, द न्यू पेडागोजिकल करिकुलर स्ट्रक्चर एनालिसिस फॉर ECCE इन NEP 2020 इज फाउंडेशनल, जो नया ऐड करा गया है इसमें 5+3+4 जो नया हमने ये इसमें करा है, ये आप बात कर रहे हैं इसमें फाउंडेशन की, सो The new pedagogical curricular structure envisaged for ECC in NEP 2020 is foundational. Option 2 is correct. Now we move to question 83. PARAK is proposed to be set up as a National Training Center for Teachers, National Assessment Center. This is true. PARAK ko National Assessment Rashtriya Mulyankan Kendra ke roop mein sthapit karne ka prastav hai. Now we move to question number 84. The sequence of steps taken by policy makers using rational choice theory, सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई
ऑल द वैल्यू प्रेफरेंस करेंटली एग्जिस्टिंग इन ए सोसाइटी एंड असाइन ईच वैल्यू रिलेटिव वेट, आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होगा डिस्कवर ऑल द ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज अवेलेबल टू अकॉम्प्लिश द वैल्यूज, और तीसरा स्टेप होगा नो द टोटल कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ईच ऑल्टरनेट पॉलिसी, एंड द फोर्थ स्टेप इज सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज ऑल्सो द मोस्ट एफिशियंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ सोशल वैल्यूज। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इन्वॉल्व ओनली स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन, ये गलत है क्योंकि यहां स्मॉल की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है सोसाइटी की। सो स्मॉल नंबर्स इज नॉट ट्रू। तो ए बी डी एंड ई ये सारे हैं हमारे ट्रू आंसर्स, और वैसे ऑप्शंस में आएगा आपका बी ए डी एंड ई, बी ए डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 85। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन, में हमें अरेंज करना सबसे पहले क्या आया था, वर्धा स्कीम आई थी और बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन थी, दूसरी थी फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था, उसके बाद आया था मुदलियार कमीशन, उसके बाद आया था कोठारी कमीशन, और उसके बाद आई थी रोमा मूर्ति रिपोर्ट। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज ए ई सी डी एंड बी, ए ई सी डी एंड बी, ए ई सी डी एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 86, लिस्ट वन और लिस्ट टू को हमें मार्क करना है। वर्टिकल्स दिए हायर एजुकेशन के, सबसे पहले आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, एन एच ई आर सी इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेशन, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेशन काउंसिल। तो ये पहले ही इसमें आ गया रेगुलेशन शब्द, तो दिस इज रेगुलेशन। नाक हमें पता है नेशनल नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, फिर एच ई जी सी है, ये हमें पता है दिस इज हायर एजुकेशन ग्रांट जो काउंसिल है, ग्रांट की बात कर रहा है एच ई जी सी, तो यहाँ आ जाओ आप, फंडिंग की बात आ गई, नाक में आ गई एक्रेडिटेशन, जी ई सी है जनरल, यानी कि एकेडमिक स्टैंडर्ड को सेट करता है जी ई सी, दिस इज जनरल एजुकेशन काउंसिल। सो द करेक्ट आंसर इज ए टू बी फोर सी वन एंड डी थ्री, that is option number 1 is correct. Now we move to next question, that is question number 87. assertion reason diya hua, assertion kya hai, the regulatory system of higher education should ensure that the distinct function of regulation, accreditation, funding and academic standard setting are done by independent bodies. This is absolutely true. reason kya diya, this will help to redistribute workload with ever increasing number of institutions. ye keh raha hai ki रीजन ये वैसे सही है, लेकिन ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एसर्शन में कह रहा है कि उच्च शिक्षा की विनियामक तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वतंत्र निकायों द्वारा विनियमन, प्रत्यायन, निधियन और शैक्षणिक मानकों की स्थापना का विशिष्ट कार्य किया जाए। ये तो सही है, तर्क दे रहा है कि यह संस्थान की सतत वर्तमान संख्या के आधार पर है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 88, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सॉरी एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन इज द रिवीजन एंड रीवैम्पिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इट्स एजुकेशन रेगुलेशन गवर्नमेंट्स इज नेसेसरी, शैक्षणिक संरचना के सभी पक्षों का इसके विनियमन और शासन सहित संशोधन और पुनरीक्षकरण आवश्यक है। ये बात सही है बिल्कुल,
दिस इज ट्रू। एजुकेशन सिस्टम इज फेसिंग प्रेसिडेंटेड चैलेंजेस, शिक्षा प्रणाली को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बात सही है, जो पहले भी थी वो काफ़ी कोई चुनौतियों का अभी भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये जो है बोथ ए एंड आर दोनों सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर 89 वी मूव टू। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर एम्ड एट ग्रेटर रिसोर्स एफिशिएंसी एंड मोर इफेक्टिव फंक्शनिंग कोऑर्डिनेशन लीडरशिप गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स इन द क्लस्टर। ये कहता है कि विद्यालय परिसर गुच्छ का उद्देश्य गुच्छ में विद्यालयों की अधिक संसाधन दक्षता और अधिक प्रभावी कामकाज समन्वय नेतृत्व शासन और प्रबंधन है। बात सही है, दिस इज ट्रू। एंड स्टेटमेंट टू में क्या कह रहा है, कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड। यहाँ पे ध्यान देने वाली है, कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड सिंस द स्कूल लीडर्स टीचर्स स्टूडेंट्स सपोर्टिंग स्टाफ पेरेंट्स एंड लोकल सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ग्रुप्ड इन स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर्स ऑब्जेक्टेड टू इट। विद्यालय परिसरों पर कोठारी आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्यालयों के नेताओं शिक्षकों छात्रों सहायक कर्मचारियों माता पिता और विद्यालय परिसर में समूहित विभिन्न विद्यालयों के स्थानीय नागरिकों के इस पर आपत्ति जताई है। तो स्टेटमेंट जो पहला है सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 90। इसमें भी दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कोविड से रिलेटेड हैं। कोविड 19 हैज लेड टू पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज टू ऑफर सॉल्यूशंस व्हिच असाइड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कैन पोटेंशियली मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूटी एनहांस हेल्थ केयर आउटकम्स एंड अवॉइड सर्विस डिसरप्शंस। कोविड 19 ने विध्वंसक प्रौद्योगिकियों के समाधान के लिए संभावित अवसरों का नेतृत्व किया है, जो कि उनके दीर्घकालिक हित से हटकर संभवतः व्यापार निरंतरता बनाए रख सकते हैं, स्वास्थ्य देखभाल के परिणामों को बढ़ा सकते हैं और सेवा अवरोधों को से बच सकते हैं। दिस इज ट्रू। अब स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी विल मेक सर्टेन जॉब्स रिडंडेंट एंड हेंस अप्रोचेस टू स्किलिंग एंड डीस्किलिंग दैट आर बोथ एफिशिएंट एंड एंश्योर क्वालिटी विल बी ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस टू क्रिएट एंड सस्टेन एम्प्लॉयमेंट। विध्वंसक प्रौद्योगिकियों कुछ नौकरियों को निरर्थक बना देंगी, इसलिए कुशलन और अकुशलन दोनों सक्षम है और गुणवत्ता, ये स्किलिंग और डी स्किलिंग की बात कर रहा है, और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं का दृष्टिकोण रोजगार रचने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरोत्तर महत्व वाला होगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब ये दो क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन पे आए थे, आपको पता है, इसमें आप पूरा पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ के अंडरलाइन करेंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। जैसे पैराग्राफ वन में दिया है, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, पांच क्वेश्चन इसमें आए हैं पैराग्राफ वन से, तो ये सारे आप कर सकते हैं। इसको ध्यान से आपको पैराग्राफ को पढ़ना होगा, और उसके बाद आएगा पैराग्राफ नेक्स्ट एक आएगा, उसमें भी पांच क्वेश्चन है, उसको भी आप ध्यान से अगर पढ़ के उसको अंडरलाइन करके ध्यान थोड़ा समय देंगे तो उसमें भी आपको आंसर मिल जाएंगे इजिली। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है, आई थिंक ऑल द क्वेश्चन आर डिस्कस्ड विद एक्सप्लेनेशंस एंड ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द एंटी नेट शिफ्ट टू पेपर टू एजुकेशन क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस। आई थिंक दिस सेशन मस्ट बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।